हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर के एक न्यू ट्रिक के बारे में, जिसकी मदद से आप चढ़ सकते हैं ट्रीज के ऊपर, मतलब आप पेड़ों के ऊपर चढ़ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस पर तो एक वीडियो काफ़ी पहले एक बनाई थी, जिससे कि आप एक या दो पेड़ों पर चढ़ सकते थे जो ढलान पर थे। लेकिन फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप 50% पेड़ों के ऊपर चढ़ सकते हैं, जो फ्री फायर में 50% पेड़ हैं उनके ऊपर आप कैसे चढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही फ्री फायर की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो आपको एक चाहिए गाड़ी। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि फ्री फायर में तीन तरीके के पेड़ हैं, एक बिल्कुल सीधे और एक थोड़े तिरछे और फ्रेंड्स कुछ ढलानों पर हैं। तो फ्रेंड्स, उनमें से आप जो सीधे पेड़ हैं उनके ऊपर आप नहीं चढ़ सकते, तो फ्रेंड्स उस पर आप चढ़ने की कोशिश ना करें। जो बाकी के पेड़ हैं जो थोड़े तिरछे हैं ऊपर से और जो बिल्कुल ढलानों पर हैं उनके ऊपर आप चढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है, जो फ्रेंड्स थोड़े तिरछे पेड़ हैं उनके लिए उनके पास आपको गाड़ी ले जानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं गाड़ी लेकर इस पेड़ के पास पहुँच चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको गाड़ी के ऊपर चढ़ जाना है और फ्रेंड्स पेड़ के ऊपर जंप करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेड़ में जाकर मैं लटक गया हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको बिल्कुल बैठ जाना है नीचे की ओर। बैठने के बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करनी है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप आहिस्ते आहिस्ते ऊपर चढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल टॉप पर आ चुका हूँ पेड़ के। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे छुप भी सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर रहकर एनिमी को भी मार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी छुपने की जगह भी हो सकती है, या फिर आप यहाँ पर अपना रैंक भी काफ़ी पुश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, जो ढलानों पर पेड़ है उन पे चढ़ने के लिए आपको किसी भी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ढलान पर पेड़ है और थोड़ा तिरछा है। तो फ्रेंड्स, इस पे चढ़ने के लिए आपको सीधा इस पर जंप कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा हवा में आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको वैसे ही करना है जैसे आपने पहले किया था, बस थोड़ा सा आपको बैठना है और ऊपर की जाने की कोशिश करनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस पेड़ के ऊपर भी आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो बिल्कुल तिरछे पेड़ हैं ढलानों पर हैं उनके ऊपर चढ़ने के लिए आपको किसी भी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, जो थोड़े तिरछे पेड़ हैं जो कि नीचे से बिल्कुल सीधे और थोड़े ऊपर जाकर तिरछे हो जाते हैं, उन पर चढ़ने के लिए आपको व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक और पेड़ मुझे मिल चुका है जो बिल्कुल तिरछा है। तो फ्रेंड्स, इस पर चढ़ने के लिए भी आपको किसी भी गाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस पेड़ के ऊपर बिना गाड़ी के सपोर्ट के चढ़ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे पेड़ आपको फ्री फायर में कहीं मिल जाएंगे फ्रेंड्स, मतलब कम से कम 50% के आसपास फ्रेंड्स ऐसे पेड़ हैं जो कि तिरछे हैं या फिर थोड़े ऊपर से तिरछे हैं। तो फ्रेंड्स, जो तिरछे पेड़ हैं उनके ऊपर आपको चढ़ने के लिए किसी भी व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स, जो थोड़े ऊपर से जाकर तिरछे हो जाते हैं उनके ऊपर चढ़ने के लिए आपको व्हीकल की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिक की मदद से आप बहुत सारे पेड़ों के ऊपर चढ़ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।